क्लास शुरू करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस। हमारे रीजन में साउथ एशिया में या पाकिस्तान के इर्द गिर्द पहले तो हम ये देखेंगे ना रीजनल अपरेटस क्या होता है, फिर ये देखेंगे पाकिस्तान के इर्द गिर्द कौन सा रीजनल अपरेटस है, और फिर ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। बारी बारी करके सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि व्हाट इज रीजनल अपरेटस, आप किसको कहेंगे रीजनल अपरेटस। बेसिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन के इर्द गिर्द जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसको हम डिफरेंट चीजों में डिवाइड करेंगे। एक होंगे हमारे इमीडिएट नेबर्स, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका भी किसी हद तक है। इमीडिएट नेबर हमारे अपरेटस में आएंगे। उसके बाद चंक्स ऑफ नेशंस हैं। चंक्स ऑफ नेशन से क्या मुराद है, जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज, बहुत सारे उसमें मिक्स हो गए। दूसरा चंक ऑफ नेशंस हमारे साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, CARS जिनको कहते हैं, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये वाले सारे कंट्रीज जो रशिया के नीचे हैं। थर्ड चंक ऑफ नेशंस हमारे पास आसियान कंट्रीज हैं, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उनको कह सकते हो, सॉरी साउथ ईस्ट एशियन नहीं, ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें ये म्यांमार आ गया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले सारे कंट्रीज आ गए। ये एक चंक हो गया नेशंस का। अब पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे पाया जा रहा है जिसके इर्द गिर्द डायरेक्ट पहले इमीडिएट नेबर्स आएंगे, उसका हम लोग देखेंगे अपरेटस क्या है, उसमें चेंज क्या आ रही है। फिर जो चंक्स ऑफ नेशंस है हमारे सराउंडिंग्स पे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे अपरेटस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, इस तरह हम लोग अपरेटस पहले डिफाइन करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आपके सामने पेपर आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा कोशिश कीजिए पहले उस क्वेश्चन को जितने हिस्सों में आप डाइसेक्ट कर सकते हैं, जितने डिवीजंस कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग रीजनल अपरेटस इन साउथ एशिया एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, लेट्स से आपका ये टॉपिक है, इसमें आपने ये देखना है अपरेटस कौन सा है, रीजनल अपरेटस कौन से हैं अपने जेन में, फिर उसमें चेंज क्या आ रही है वो आपने देखनी है, फिर पाकिस्तान के रिलेटेड क्या चेंजेस हैं, फिर पाकिस्तान के, फिर उसने सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स पूछे हैं पाकिस्तान के लिए आगे क्या हो सकते हैं, आपने वो प्रॉस्पेक्ट्स डिफाइन करने हैं। तो ये तीन चार चीजें मिलकर आपके क्वेश्चन का आंसर बनेंगी। वो जो रटी रटाई चीजें होती है ना, बस एक चीज पकड़ी और उसको लिखना शुरू कर दिया, ये काम आपने नहीं करना। टॉपिक को हमेशा डिवाइड करें और डिविजन्स करने के बाद उसको लिखें, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफाइन करने के बाद लिखें, उसका क्रक्स निकाल कर लिखें। सो हमारा टॉपिक है चेंजिंग रीजनल अपरेटस, व्हाट एवर एग्जिस्ट्स अराउंड पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन इज कॉल्ड इट्स रीजनल अपरेटस। अब रीजनल अपरेटस में मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या क्या चीजें आती हैं, इमीडिएट नेबर्स और चंक्स ऑफ कंट्रीज। अब कोई भी ऐसी चेंज विच इज एक्सेप्ट ऑर्डिनरी, जो आम रूटीन से हट कर तब्दीली आ रही है, वो किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली हो सकती है, वो किसी कंट्री की पोलिटिकल एनवायरमेंट में तब्दीली हो सकती है, वो किसी कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस के हवाले से तब्दीली हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो रूटीन से हट कर होगी वो चेंजिंग रीजनल अपरेटस में गिनी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आ जाती है, ये उस लेवल का चेंजिंग रीजनल अपरेटस नहीं गिना जाएगा। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आई है, दूसरी, एक गवर्नमेंट खत्म हुई, दूसरी आ गई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, इसको आप चेंज रीजनल अपरेटस में चेंज तस्वर नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है, यहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है, यहां पे मार्शल लॉ लग जाता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, इसको आप चेंजिंग रीजनल अपरेटस कहेंगे, जो नॉर्म से हटकर चीज है, एक चीज। और दूसरे नंबर पे ऐसी हैपनिंग जिसकी वजह से आपके मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी पे रीथिंक करना पड़े, या दूसरे ममालिक को आपके मुल्क के हवाले से फॉरेन पॉलिसी पे रीथिंक करना पड़े। फर्ज करें अफगानिस्तान के अंदर
पीस डील हो जाती है, तालिबान को बाकायदा गवर्नमेंट में रोल दे दिया जाता है, या इलेक्शंस होते हैं, तालिबान वहां पे जीत जाते हैं, दैट इज अ ह्यूज चेंज इन रीजनल ऑपरेटर्स। क्यों ह्यूज चेंज क्यों है, जब अफगानिस्तान में इस तरह के बिल्कुल 90 डिग्री, बल्कि 180 डिग्री अपोजिट साइड पे एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उनके फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी, उनके फॉरेन रिलेशंस चेंज होंगे। अब जिस जिस मुल्क ने, मुल्क के साथ उन्होंने फॉरेन रिलेशंस चेंज करने हैं, हमारे चूंकि वो नेबर हैं, हमें उनके अकॉर्डिंगली अपने मामलात को मैनेज करना है। अगर अफगानिस्तान प्रो रशिया हो जाता है और एंटी अमेरिका हो जाता है, या प्रो अमेरिका हो जाता है एंटी रशिया हो जाता है, हमने उसके अकॉर्डिंगली मामलात देखने हैं, हमने उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने हैं, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? यहां पे ये एक मैसेज मुझे, वो अभी कमेंट आया कि नो वॉइस, एम आई ऑडिबल? क्लियर है? फिर देर इज समथिंग रॉन्ग एट योर एंड। अब मुझे सबको जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे चलते हैं। रोमा कैंडी फर्स्ट लेक्चर यहीं पे पेज पे पड़ा हुआ है, आप बाद में सुन सकते हो। फिलहाल जो गुम हो गया उसका रोना ना डालें, जो मिल रहा है उसको लें। अच्छा, तो चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स हम किसको कहेंगे? एनी चेंज दैट इज एक्सेप्ट ऑर्डिनरी, जो रूटीन से हटकर चेंज आ रही है। अब पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड ज्योग्राफिक लोकेशन पे दुनिया में पाया जा रहा है। अब इज देयर एनी ऑप्शन टू शेयर स्क्रीन हियर? नहीं है। एनीवेज, आपने जेन में रखना है, पाकिस्तान की लोकेशन जेन में लाइए। सबसे पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त दुनिया में इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त दुनिया में आपकी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इस वक्त दुनिया में ऑयल एंड गैस तक एक्सेस इंपॉर्टेंट है। ये वो तीन चार चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर मुल्क जिनके ऊपर फोकस रखता है। अब पाकिस्तान की अगर आप लोकेशन देखें तो पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे एनर्जी सफिशिएंट कंट्रीज आपको मिलेंगे, ईरान, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे आपको एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज मिलेंगे। एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज से मुराद वो वाले कंट्रीज हैं जिनके अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए भी एनफ एनर्जी रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, उनको बाहर से एनर्जी रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो चाहे मिडल ईस्ट से करें या कहीं से भी करें, एक चीज। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे जो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्री वहां पे नहीं है उस लेवल की, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कर सके उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं है। जबकि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे अगर आप चाइना को भी नॉर्थ ईस्टर्न दे दें, साइड दे दें, इंडिया को आप ईस्टर्न साइड दे दें, जापान ईस्टर्न साइड पे आता है, ये वो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री पे बहुत काम करना शुरू किया हुआ है, लेकिन ये एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, एक सेकंड, एक तो ये ब्रिज हो गया, उसके बाद पाकिस्तान उस जगह पे पाया जा रहा है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे जो कंट्रीज हैं उनको वार्म वाटर्स की जो एक्सेस है, जो इजीएस्ट एक्सेस है, ऐसे वार्म वाटर्स उनको बोलते हैं जहां पे बर्फ नहीं जमती, जो समंदर है हमारा, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जो ग्लोब को अगर आप देखें तो उसके सेंटर पे जो आते हैं, तो रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना, इनको जो इजीएस्ट एक्सेस है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, दैट इज थ्रू पाकिस्तान। मैं आप लोगों को ना पेज पे बना के देता हूं, एक मिनट। ये रफ सही मैं एक बना रहा हूं,
ये अगर आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा हो, इसको ईस्ट करें, इसको वेस्ट करें, इसको नॉर्थ करें, इसको साउथ करें। जब भी आपने अपने एग्जाम में मैप बनाने हैं, कोई भी मैप बनाए, उसमें हमेशा आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जरूर मेंशन करना है कि आपके रेफरेंस से वो सारे कौन से बन रहे हैं। उस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली पेपर चेकर आपका जो है ना वो मैप देखेगा। अब पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, वेस्टर्न साइड पे ईरान है, ऊपर अफगानिस्तान है, नीचे इंडियन ओशन है, ऊपर चाइना है। इस साइड पे ये जो रीजन है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और इससे भी ऊपर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे ये सारा रशिया आ जाएगा। ये जो रशियन कंट्री रशिया है, इसकी ऊपर जो समंदर है, ये नीला वैसे ही आपको नजर आ रहा है, ये समंदर समझ लीजिए इसको। ये समंदर नॉट विजिबल। अच्छा, ये जो ऊपर आपको अब समंदर नजर आ रहा है, यहां पे रशिया है, रशिया के ऊपर का ये समंदर समझ लीजिए। इस समंदर में साल में बहुत सारा टाइम ऐसा गुजरता है जहां पे बर्फ जमी रहती है, मतलब उनको एक्सेस करना, वार्म वाटर्स की एक्सेस उनके लिए आसान नहीं है। फिर उनके लिए एक्सेस इजीएस्ट क्या बनती है कि यहां से अगर वो आते हैं तो इजीएस्ट एक्सेस ये रशिया के लिए भी, यहां पे रशिया है, यहां पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके लिए भी, ये आपका चाइना हो गया उसके लिए भी, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, किधर गया ये अफगानिस्तान हो गया, इसके लिए भी, इन तमाम कंट्रीज के लिए इस इंडियन ओशन को एक्सेस करना इज वेरी क्रूशल। इंडियन ओशन वो रीजन है, एक हमारा वो लेक्चर इंडियन ओशन के ऊपर भी है, कंपटीशन इन इंडियन ओशन, उसके वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीजें ज्यादा वाजे हो जाएंगी। इंडियन ओशन वो रीजन है जहां से दुनिया की 40% ऑयल ट्रेड होती है, मतलब दुनिया में जितना ऑयल चल रहा है उसका 40% इस इंडियन ओशन के रीजन से गुजरता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे भी ट्रेड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस ट्रेड चलती रहती है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे मामलात हैं। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो होते हैं जिनकी डायरेक्ट सी एक्सेस नहीं होती, जो जो समंदर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अफगानिस्तान इटसेल्फ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, मतलब जिनको डायरेक्ट समंदर नहीं लगता, तो उनके लिए इजीएस्ट एक्सेस अगर कोई पॉसिबल है तो दैट इज आइदर थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडियन ओशन, या इट कैन बी थ्रू पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके थ्रू वो नीचे इंडियन ओशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए भी पाकिस्तान की जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब एट द सेम टाइम अगर आप एक किताब पढ़ें, किताब का नाम है जी, किधर पढ़ी हुई है, द सिल्क रोड्स, ये किताब है, आई रिकमेंड एवरी सीएसएस एस्पायरेंट शुड रीड इट, द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पीटर फ्रैंकोपान साहब ने ये लिखी हुई है, ये आप सब लोग पढ़िए। दिस बुक टेल्स यू दैट, बल्कि इसका जो एंड पे लिखा हुआ है ना, ये इसका क्रक्स है। फॉर सेंचुरीज फेम एंड फॉर्चून वर टू बी फाउंड इन द वेस्ट, इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिकाज। टूडे इट इज द ईस्ट विच कॉल्स आउट टू दोज इन सर्च ऑफ रिचेज एंड एडवेंचर, स्वीपिंग राइट अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड डीप इन टू चाइना एंड इंडिया, अ रीजन दैट वंस टुक सेंट्रल स्टेज इज अगेन राइजिंग टू डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिक्स, कॉमर्स एंड कल्चर। ये इतनी खूबसूरती से बता रहा है कि आपके जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आपकी जो चाइनीज सिविलाइजेशन है और आपकी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली एक वक्त था जब दुनिया के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हुआ करते थे, ट्रेड के हवाले से, हर कॉमर्स के हवाले से, हर चीज के हवाले से, एंड दे आर गोइंग टू बी द सेम अगेन। इफ दे आर गोइंग टू बी सेम अगेन, तो लोकेशन चेक कीजिए, एक साइड पे मिडल ईस्ट है, एक साइड पे इंडियन सिविलाइजेशन है या ईस्ट एशिया कह लें, एक साइड पे ऊपर चाइनीज सिविलाइजेशन है, और उन सारी चीजों के बीच में क्या है, हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। दैट इज वाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई पाकिस्तान हैज
a say in almost all affairs of the world which are related to Asia. जितने भी मामलात हैं उनमें पाकिस्तान की मर्जी के बगैर या पाकिस्तान के शामिल हुए बगैर या पाकिस्तान की छेड़खानियों के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता ये बुक अवेलेबल है पीडीएफ में या नहीं। अब आते हैं, हमने रीजनल ऑपरेटर्स भी समझ लिया, हमने पाकिस्तान की एक इसके ऊपर लेक्चर है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे, उसमें क्या क्या हमारे लिए फायदे हैं वो आगे चल के आएगा, वो भी हमने थोड़ा सा रफली देख लिया। अब आते हैं चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स, इस रीजन में क्या क्या तब्दील हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज चेंजिंग इज इंडियन वेल्ड हेजमनी। वेल्ड होती है वो बुरके वाली छुपी हुई, वेल्ड हेजमनी। हेजमनी पहले क्या होती है, आम जुबान में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, चौधराहट, अजारादारी, बदमाशी, इन्फ्लुएंस होना, कंट्रोल होना, इन सारी चीजों को जो आम जुबान में हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन एंड पे किया करें। मैं जब कमेंट्स की तरफ देखना शुरू करता हूं तो मेरे जेन में जो चीज होती है वो कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, वो जेन से निकल जाती है। सो क्वेश्चंस प्लीज एंड पे रखें, साथ साथ लिख लिया करें। दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कि आप टीचर को बोलते हुए ना वो करें डिस्टर्ब और साथ साथ अपने चीजें लिख लिया करें। द सिल्क रोड्स किताब का नाम है। अच्छा, तो इन हेजमनी की हम लोग बात कर रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी चौधराहट को अगर कोई मुल्क के लेवल पर ये काम कर रहा हो उसको हेजमनी कहते हैं, अजारादारी को। अब वेल्ड हेजमनी से क्या मुराद है, वेल्ड हेजमनी से मुराद है कि खुला ओपनली सामने ना आकर बट छेड़खानी जारी रखना, इसको बोलते हैं वेल्ड हेजमनी, चुप छुपा कर दूसरों को तंग करना और अपने आप को बड़ा हाथी समझने की कोशिश करना। इंडियन वेल्ड हेजमनी की मिसालें क्या है, सबसे पहले इंडिया के जितने नेबर्स हैं उनके साथ को अच्छी बनती नहीं है इंडिया की। पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, चलें ये तो हम कह देते हैं ट्रेडिशनल इनकी एनिमोसिटी है इस वजह से। चाइना के साथ इंडिया की नहीं बनती, उनका बॉर्डर क्लैशेस भी हैं। अब मोस्ट रिसेंटली जो उनके आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का आया था कि वो जो अरुणाचल प्रदेश है जो इंडिया की नॉर्थ साइड पे सबसे नॉर्दर्न स्टेट है, दैट डजंट बिलोंग टू इंडिया, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। इसी तरह और बहुत सी स्टेट्स हैं जिनको चाइना एक्नॉलेज नहीं करता। अभी जो वहां पे चल रहा है उनका आपस में क्लैश चल रहा है, मेरे काफी सारे इंडियन दोस्त हैं फेसबुक पे, उनके मैं काफी इंटरेक्ट करता रहता हूं। वो चाइना के साथ भी, मतलब इंडिया की नहीं बनती, चाइना के साथ भी लड़ाई नोकझोंक चलती रहती है। उसके बाद नेपाल की तरफ आ जाए, नेपाल इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे है और लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल ने जो वार्म वाटर एक्सेस है या वाटर एक्सेस जो नेपाल को आती है दैट कम्स थ्रू इंडिया, इंडिया से उन्होंने रूट्स लिए हुए हैं, लैंड रूट्स लिए हुए हैं अपनी ट्रेड करने के लिए। अब कुछ अर्सा पहले नेपाल ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर हिस्ट्री वो प्रेजेंट किया था। उसमें ऑब्वियसली जब कोई चीज पहली दफा आती है किसी मुल्क में तो उसमें कुछ लोगों की रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नेपाल में एक चंक था जिन्होंने कहा जी कि हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की काफी सारी चीजें। उस चीज को लेकर इंडिया ने उन लोगों, अब पॉलिटिकल मैटर्स किसी भी मुल्क के इंटरनल मैटर्स होते हैं, बाहर का कोई जो मुल्क है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो इनके इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग नहीं कर सकता। इंडिया ने ना सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया जो कि नेपाल में क्योस क्रिएट कर रहे थे, बल्कि एट द सेम टाइम नेपाल के जो लैंड रूट्स थे जो इंडिया से गुजर रहे थे ट्रेड के लिए वो भी बंद कर दिए। फिर नेपाल ने धमकियां दी कि हम लोग चाइना से अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिसकी वजह से उनके कुछ मामलात हल हुए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे इंडिया हेजमॉन, एक चौधरी बनने की कोशिश करता है। फिर अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का एक काफी अरसे से टसल चलती आ रही थी इसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, कुछ अरसा पहले वो रिजॉल्व हुआ है। अब भी बांग्लादेश से
लोग आते हैं इंडिया में या इंडिया से लोग जाते हैं बांग्लादेश में, उसका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और ये एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं। श्रीलंका की अगर आप मिसाल ले लें, तमिल टाइगर्स की मिसाल ले लीजिए, उनके बारे में इट इज अ वेल नोन फैक्ट के इंडिया उनको सपोर्ट करता था। श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर्स थी, जो क्योस था, वो सारा इंडिया की तरफ से था। ये वो इंडिया के नेबर्स हैं जिनमें हमें इंडिया की वेल्ड या ढकी छुपी हेजमनी नजर आती है। अब बर्मा के अंदर कुछ ऐसा पहले इंडिया की लैंड फोर्सेस ने बर्मा के अंदर उतरकर इंटरनली, मतलब ये अलो नहीं होता इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब तक कि वो नेक्स्ट मुल्क आपसे खुद तकाजा ना करे, वहां पे जाके ऑपरेशंस किए थे, ये सारे मामलात किए थे, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया था, ये सारी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। अब ये सारी ट्रेंड्स पिछले 5-7-8 सालों में जब से मोदी आया तब से आपको ये बड़ी चेंज नजर आनी शुरू हुई है। ये क्या है? इट इज अ वर्ल्ड हेजमनी। एट द सेम टाइम एक और चेंज भी आ रहा है इंडिया के हवाले से इस रीजनल ऑपरेटर्स में, वो क्या है कि इंडिया बहुत एक्टिवली मुस्लिम कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहा है। ईरान की मिसाल ले लीजिए, अफगानिस्तान की मिसाल ले लीजिए, सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लीजिए, यूएई की मिसाल ले लीजिए, इन कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपने रिलेशनशिप्स को काफी कॉर्डियल किया हुआ है। मैं एक मिनट चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप। ये दो चीजें हैं इंडिया के हवाले से जो कि हम चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स में मेंशन कर सकते हैं। अब चेंज तो आ गई रीजनल ऑपरेटर्स में, ये प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिएक्ट? मैं जितनी भी चेंजिंग ऑपरेटर्स मेंशन करूंगा उसके साथ साथ पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए वो भी मेंशन करूंगा। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के मामले में बैक फुट पे खेलता है, मतलब उधर से वार हुआ, हमने उसको डिफेंड किया और वापस भेज दिया। अब ये मैं डिप्लोमेटिक एंडेवर की बात कर रहा हूँ, रियल वॉर की बात नहीं कर रहा। कोई भी डिप्लोमेसी का ये सारे डिप्लोमेसी के काम है, ये जो हेजमनी वाला सिनेरियो है, ये मुस्लिम कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट वाला सिनेरियो है, तो पाकिस्तान हमेशा बैकफुट पे खेलता है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से इल्जाम लगाए जाते हैं, हमें डायसेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो हमारे सिटीज के अंदर लाई गई वॉर ऑन टेरर के बाद से, TTP के नाम पे, ऐसा की डिफरेंट चीजों पे वो इंडिया करता है। हम लोग कहां तक काम करते हैं? सिर्फ डिफेंसिव रहते हैं हम लोग। नाउ वी नीड टू बी ऑफेंसिव इन आवर डिप्लोमेटिक एंडेवर्स। डिप्लोमेटिक एंडेवर्स क्या होते हैं? अपनी डिप्लोमेसी मजबूत कीजिए, लोगों के साथ अपने तल्लुकात मजबूत कीजिए, दूसरे कंट्रीज के साथ, अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकाज हैं, रशिया है, डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके साथ इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाइए कि आपकी उनको जरूरत हो, और उस जरूरत के नतीजे में ग्लोबल पॉलिटिक्स इसी तरह वर्क करती है, यू गिव समथिंग एंड यू टेक समथिंग इन रिटर्न। डिप्लोमेटिकली यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। अगर आप 370A जो इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, जो इंडिया ने कश्मीर में सिटीजनशिप एक्ट को लागू किया, वहां पे जो डोमिसाइल था उसको कैंसिल कर दिया, वो सारे मामलात खत्म कर दिए, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी और एक्टिव होकर उसमें एंगेज करना होगा वर्ल्ड कम्युनिटी को, और इन चीजों को दिखाना होगा। पिछले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में एक बनाई गई कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का काम ये रखा गया दैट यू हैव टू गो आउट साइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मुशाहिद हुसैन सैयद शायद उसका इंचार्ज था, और बाकी फिर कुछ MNAs MPAs इस तरह के लोग थे उसके अंडर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपने जाना है और आपने कश्मीर इशू को हाईलाइट करना है। अब उनसे किसी ने इंटरव्यू किया, जो वो सारे मेंबर्स थे, मुशाहिद हुसैन सैयद के अलावा किसी बंदे को नहीं पता था व्हाट आर वी गोइंग टू डू। मतलब वी नीड टू थिंक, डिप्लोमेसी इस तरह वर्क नहीं करती। कोई मैच्योर किस्म के डिप्लोमेट्स होने चाहिए, जिन लोगों को फॉरेन पॉलिसी में एक्सपीरियंस हो, ब्यूरोक्रेट आप उनके साथ रखें जो उनको हर चीज के ऊपर बता रहे, और पढ़े लिखे लोगों को इस तरह का काम दे जो आगे जाके काम करें। ये जो है ना हमारी कहानियां, हाँ इमरान खान की जब से गवर्नमेंट आई है
हम लोगों ने ये देखा है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इमरान खान, थ्रू डिफरेंट इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, कश्मीर इशू को हाईलाइट काफी किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब एक कोई चीज ट्वीट करता है ना, तो दैट इज समथिंग जो सारी दुनिया में फिर गूंजती है, लोग उसको रीट्वीट करते हैं, लोग उसको न्यूज में हर जगह पे उसको करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमें एक्टिव कैसे होना है, हमें रिएक्शंस नहीं देने, हमें एक्शंस करने अब एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। ये पहला चेंजिंग रीजनल अपरेटस है, और इसके रिलेटेड क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? मैं पानी ले आऊं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दूसरे चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं, वो है चाइना के हवाले से। चाइना के हवाले से एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, इस तरह की टर्म्स आपने पेपर में ये यूज नहीं करनी, ये पॉलिटिकल टर्म्स होती हैं। चाइना इज ऑल टाइम्स फ्रेंड, चाइना इज द बेस्ट फ्रेंड, चाइना इज बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इस तरह की टर्म्स आपने पेपर में यूज नहीं करनी। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी आपका परमानेंट एनिमी नहीं होता। एवरीबॉडी, एवरी स्टेट जिसके साथ आपके रिलेशन है, वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। यू गिव समथिंग, यू टेक समथिंग। जब तक यू आर गिविंग एंड यू आर टेकिंग, तब तक वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में चलते रहते हैं। जब आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, या उनके पास आपको देने के लिए, लेने के लिए कुछ ना हो, तो फिर वो रिलेशंस उस तरह के खुशगवार नहीं रहते। तो एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, हम कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड, दैट इज ट्रू थ्रू आउट हिस्ट्री। जितनी हमारी है 70-72 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, उसमें चाइना ने हमें इसी तरह हेल्प आउट किया है, और आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा, हमें उम्मीद तो इसी तरह की है। नाउ द ओनली रे ऑफ होप टू कीप दीज रिलेशनशिप्स अलाइव इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना की भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट शामिल है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके अंदर। उसमें सेकंड स्कूल ऑफ थॉट भी है जो ये कहता है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्लेव बनाया जा रहा है। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हर चीज के ऊपर चाइना का कब्जा होगा, पाकिस्तान हर चीज में दिवालिया हो जाएगा, और चाइना के हम गिरवी रख दिए जाएंगे हर चीज। वो स्कूल ऑफ थॉट भी है, लेकिन राइट नाउ हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। दुनिया में इस वक्त वही ममालिक मजबूत हैं जिनकी या मिलिट्री स्ट्रांग है या जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है। अब हमें अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको हमें स्ट्रांग करना है। उसके लिए द ओनली रे ऑफ होप इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके थ्रू हमने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने लोगों को इनिशिएटिव देने, अपने लोगों को काम पे लगाना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, और आउटर इन्फ्लुएंस से सीपेक को बचाना है। एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिकली चाइना को सपोर्ट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली गिव एंड टेक वाला फिनोमेना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी करारदादें पेश की जाती हैं, उनको वीटो करने का जो एक ही हमारे पास है मुल्क मौजूद है, दैट इज चाइना, जो हमें हर जगह पे हेल्प आउट करता है। लॉबिंग करने के लिए हमें चाइना हेल्प आउट करता है, डिफरेंट ममालिक को अपने मकासद के लिए इकट्ठा करने के लिए, ये सारे मामला, तो हमें उसको इस तरह डील करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को, आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों में, 3-4 सालों में स्पेशली, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के हवाले से जो स्टांस है, पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज है, वो काफी एग्रेसिव होती जा रही है। उसमें एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान उस बॉर्डर की फेंसिंग कर रहा है, जिस बॉर्डर को अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा एक लेक्चर भी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, कि
वॉट इज रॉन्ग बिटवीन दैम। 9/11 के बाद से जो हमारी फॉरन पॉलिसी चेंज हुई उसके ऊपर भी हमारा लेक्चर, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान के क्या क्लेम्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान वेस्टर्न पार्ट्स और पाकिस्तान के उसके बारे में रिएक्शन क्या है। इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें अफगानिस्तान से अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को प्रोटेक्टेड रखना है, एट द सेम टाइम हमें डुअल बॉर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी। डुअल बॉर्डर सिचुएशन से क्या मुराद है, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान है। इंडिया तो हमारा एक्टिव बॉर्डर 24/7 रहता है, वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी फोर्सेज नहीं है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर को भी एक्टिव बॉर्डर बना दें और वहां पर भी हर वक्त क्लैशेस करते रहे। चाइना अफगानिस्तान के अंदर मिनरल डिपॉजिट्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान के ये जो रीजन हेलमंद प्रोविंस है शायद जो लिंक्ड है बलूचिस्तान के साथ, इसके अंदर सिर्फ इस रीजन के अंदर $1 trillion से भी ज्यादा की वर्थ के मिनरल डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं जिनको ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करना है, जिनसे फायदा उठाना है, जिनसे सारे काम करने हैं। हमारा किसी जगह पे भी ये स्टांस नहीं होना चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ दुश्मनी अपनानी है, लेकिन ये स्टांस जरूर होना चाहिए कि हम उस मुल्क के साथ बराबरी की बुनियाद पर चलेंगे, फ्रेंडशिप के तलकात रखेंगे और कैसे मैक्सिमम पाकिस्तान को उन तलकात से फायदा हो सकता है। सो वेस्टर्न बॉर्डर को एक तो हमने क्लैशेस से प्रोटेक्ट करना है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से चाहे बातें करके करना हो, चाहे वहां पे तालिबान को सपोर्ट करके करना हो, या जिस तरह भी वो करना हो, एक तो हमें ये काम करना है। दूसरे नंबर पे हमें ये करना है कि जितने मिनरल डिपॉजिट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमारे पास तो इतनी मैन पावर टेक्नोलॉजी मशीनरी नहीं है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि वहां से जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं उन्होंने जब ग्लोबल ट्रेड होनी है तो उसके लिए पाकिस्तान अपने ट्रेड रूट्स जरूर प्रोवाइड कर सकता है। उससे बलूचिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे, उससे केपीके के हालात भी अच्छे होंगे, जब वो लैंड रूट्स होंगे, जब रोड्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, ये सारे काम होंगे तो उन रीजन्स के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के हवाले से हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आती है बारी ईरान की। वी नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। हमने ना ही ये प्रेजेंट करना अपने आप को दैट वी आर प्रो ईरान एंड एंटी सऊदी अरेबिया। हमारा एक लेक्चर इसके ऊपर भी है, व्हाट इज रॉन्ग बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, उन दोनों के बीच में क्लैश है क्या, उसकी बेसिस क्या है, वो सारी चीजें उस वो लेक्चर भी हमने लेना है। सो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग। आप लोगों ने इंटैक्ट रहना है, लिंक्ड रहना है, इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। अच्छा, ईरान के हवाले से वी नीड टू कीप अ बैलेंस। ना ही सऊदी अरेबिया को एंटेगोनाइज करना है कि भाई साहब वो ये समझे कि ये पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ लग गया और हमारा दुश्मन है, ना ही ईरान को एंटेगोनाइज करना है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ लग रहे हैं और ईरान के हम दुश्मन हैं। ईरान इज आवर फर्स्ट नेबर, यू कैन नेवर चेंज योर नेबर्स, यू हैव टू डील विद देम। अब वो डीलिंग प्रोएक्टिवली होनी चाहिए। एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, मे बी अफगानिस्तान, लेकिन पहले वाले पांच कंट्रीज। दूसरी साइड पे एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूरोपियन कंट्रीज ऑब्वियसली उनके साथ ही होंगे। ये दूसरी साइड पे ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्लॉक्स बनने से मुराद ये होता है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके इंटरेस्ट्स सेम हो जाएं, वो इंटरेस्ट किसी दूसरे मुल्क को कमजोर करना भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट किसी एक खास रीजन के ऊपर धावा बोलने के भी हो सकते हैं, वो किसी किस्म के भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। जब आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं तो फिर आप मिलकर एक ब्लॉक बना लेते हो, आप मिलकर अपनी पॉलिसीज डिफाइन करते हो। तो ये दो ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। वी नीड टू, मतलब हर चीज में ही ना आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कारामद है, हर चीज में ही आपके दूर के विजन वाले लोग आपको चाहिए, हर विजन में आपको प्रॉपर जो असल पॉलिसी मेकर्स है ना वो चाहिए, ना कि आपको आर्मी चाहिए, ना आपको नवाज शरीफ जैसे ठंडे दिमाग लीडर चाहिए, ना आपको
मतलब यू नीड सम लीडर इन रियल सेंस, यू नीड सम एफिशिएंट डूअर जो इस फॉरेन पॉलिसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं और उन नेशनल इंटरेस्ट्स को डिफाइन करने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी वीक है, फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले वीक है, फॉरेन पॉलिसी के टारगेट्स वीक है, तो आप यू आर नोवेयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस ब्लॉक को मद्देनजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, सबसे बड़ी इंटरेस्ट आपकी वायबिलिटी है कि आप एज अ स्टेट एज कंबाइंड रहकर चलते रहें, आपके ऊपर कोई आपको डिसइंटीग्रेशन का कोई डर ना हो। उसके बाद फिर डिफरेंट इंटरेस्ट आते हैं। सो यू हैव टू, पाकिस्तान हैज टू कीप दिस थिंग इन माइंड ईरान और सऊदी अरेबिया के हवाले से। एट द सेम टाइम पाकिस्तान कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ बिग ब्रदर ईरान और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने में, जो कि खत्म होते हुए नजर तो नहीं आते, ना ही खत्म होने हैं, लेकिन स्टिल एक जोड़ने वाला रोल भी प्ले किया जा सकता है। अगर सऊदी अरेबिया भी हमारे चीजों का ध्यान रखे, हमारी इंटरेस्ट का ध्यान रखे इन सारी चीजों का, तो ईरान की तो जरूरत है अच्छे तलुकात करना, सब्जेक्ट टफ नहीं है, काफी सारी चीजें जब पहली दफा बंदा पढ़ता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो फिर टफ लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए एब्जॉर्ब इतना एब्जॉर्ब करना काफी था तो मैं बस कर देता हूं, क्या कहते हैं आप लोग? तीन चार मजीद पॉइंट्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इफ यू हैव परसेप्शन, अगर आपका भी दिमाग चल रहा है, मेरे साथ हैं आप, तो मैं कंटिन्यू रखता हूं। बता दें, रुक जाऊं कि कंटिन्यू करूं? बता दें, कमेंट कर दें। कंटिन्यू। ठीक हो गया। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी या थोड़े बहुत रीजन को पढ़ा हुआ होता है ना, उनके लिए इजी होता है। तो जिनको नहीं समझ आ रही है, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं ना, वो परेशान मत होइए, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शुरू शुरू में होता है। अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया चाइना को, हमने डिस्कस कर लिया अफगानिस्तान को, हमने डिस्कस कर लिया ईरान को, हमने डिस्कस कर लिया इंडिया को, ये सारे रीजन्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद आते हैं चंक्स ऑफ नेशंस। चंक्स ऑफ नेशन में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में वो जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट कंट्रीज हुए थे कोल्ड वॉर के बाद 1970s में और 80s में, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर जो कंट्रीज हैं 6-7, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आते हैं। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऐसे ममालिक जहां पे ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिजर्व्स हैं, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। रशिया के नीचे हैं, चाइना की लेफ्ट साइड पे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर हैं, इन तीन कंट्रीज के बीच में। पाकिस्तान और एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, अब पता नहीं उज़्बेकिस्तान है या कौन सा है, उनके बीच में एक छोटी सी 100 किलोमीटर की स्ट्रिप आती है अफगानिस्तान की, उसको वखान स्ट्रिप बोलते हैं। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो लिंक करे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक फिनोमिना है ग्रेट गेम का, इसी तरह एक फिनोमिना है द न्यू ग्रेट गेम का। इनको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। द न्यू ग्रेट गेम को अगर इस फिनोमिना ऑयल एंड गैस के हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस तरह किया जा सकता है कि दुनिया के नेक्स्ट बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, रशिया का, चाइना का, अमेरिका का, या किसी और कंट्री का, या कुछ चंक्स ऑफ कंट्रीज का कंट्रोल होगा, कौन उसको मैनेज करेगा? जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज का अभी तक इन्फ्लुएंस चल रहा है,
इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में किसका इन्फ्लुएंस होगा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ऊपर, दैट इज द न्यू ग्रेट गेम। अब इस न्यू ग्रेट गेम में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या है, वहां से ऑयल एंड गैस जितनी भी निकलनी है उसने समंदर के थ्रू सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होना है। अब समंदर में कहां से आना है, एक रास्ता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से सीधा नीचे आए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से नीचे आए ईरान, और ईरान से नीचे आए सारी दुनिया में। अब वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लिए यह रास्ता तो फिजिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान हमेशा से वोलेटाइल रीजन रहा है, वहां पे हमेशा लड़ाइयां चलती रहती हैं, पीसफुल रीजन नहीं है। दूसरे नंबर पे ईरान, ईरान के साथ वेस्टर्न कंट्रीज की बनती नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच जाते हैं कि वो वखान बॉर्डर के थ्रू, वखान स्ट्रिप के थ्रू, या फिर चाइना के थ्रू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इंडियन ओशन में आ जाए। ये जो सी पैक है इसकी ये भी इंपॉर्टेंस है कि जितनी भी ट्रेड होगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से उसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। अब यो जो न्यू ग्रेट गेम है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ये भी एक चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स है, उसमें पाकिस्तान हैज टू बी एक्टिव। पाकिस्तान को बड़ा जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को बड़ा लिंक्ड रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना इन्फ्लुएंस उसके अंदर रखना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान के लैंड रूट्स यूज होने हैं तो पाकिस्तान को उसमें मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज के हवाले से हो, चाहे वो मैन पावर के इस्तेमाल के हवाले से हो, जिस तरह भी हो। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से ये है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ही हमारी एक ऑयल एंड गैस डील भी है, एक है टापी, TAPI, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये चार कंट्रीज हैं। TAPI टापी, ये बेसिकली गैस पाइपलाइन आप समझ लीजिए, तुर्कमानिस्तान से आएगी, अफगानिस्तान से गुजरकर, पाकिस्तान से गुजरकर इंडिया जाएगी, और इसी के थ्रू हम अपनी गैस नीड्स भी पूरी करेंगे। इसी तरह एक कासा भी प्रोजेक्ट है, CASA, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, CA फॉर सेंट्रल एशिया, SA फॉर साउथ एशिया। इसमें 1000 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन का जो है ना वो वादा है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पाकिस्तान को दी जाएगी। ये जो डील्स हैं, एक तो सेंट्रल एशिया की वैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान को इन डील्स को कंप्लीट करना चाहिए। क्यों, कि बलूचिस्तान सिट्स एट द क्रॉस रोड ऑफ दिस ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ईरान, या जहां से भी ऑयल एंड गैस आ रहा है बलूचिस्तान से गुजर कर आना है। सो बलूचिस्तान की अहमियत उससे वाजे होती है, बलूचिस्तान को वहां से प्रमोट किया जाएगा, ये चीज वाजे होती है। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान की कैपेसिटी के पाकिस्तान अपने किए हुए वादे पूरे करता है, वो इन डील से जो है ना वो साबित होगी, ताकि नेक्स्ट भी पाकिस्तान को इन चीजों में इन्फ्लुएंस्ड रखा जाए। लास्टली अगर हम एक पॉइंट देखें तो वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस वक्त क्याओस चल रहा है। लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सिविल वॉर्स हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर थ्रू आउट ये चीजें चल रही हैं। इन चीजों को कंट्रोल करने का, सिविल वॉर का सबसे बेहतरीन जो तजर्बा है वो लेटेस्ट मोस्ट तजर्बा वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया हुआ है, जो हमारे केपीके में डिफरेंट जगहों पे ऑपरेशंस किए गए, जो डिफरेंट एजेंसीज में ऑपरेशंस किए गए, उस तजर्बे से फायदा उठाते हुए, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस से फायदा उठाते हुए, इंटरनेशनल जितने भी मुसलमानों के ममालिक हैं वो मिलकर अगर बैठे तो मुस्लिम ममालिक के दरमियान जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो लड़ाइयां चल रही हैं, एक हमारा जो लेक्चर है ना ईरान और सऊदी अरेबिया के हवाले से, ये दो बड़े क्या अब इनको कहूं मैं, वो ममालिक हैं, घटिया ममालिक हैं, जिनकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज की 80% प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो लड़ाई के हवाले से, जंगों के हवाले से, सिविल वॉर्स के हवाले से, जो मिडिल ईस्ट सारा तबाह हुआ हुआ, वो इन दो ममालिक की वजह से हुआ हुआ, वो आगे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल थ्रू पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये
तीन चार ममालिक जो कि न्यूट्रल हैं, जो किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। ईरान और सऊदी अरेबिया बड़े ममालिक हैं, इनके पास मैन पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास फोर्सेज हैं, ईरान के पास स्पेसिफिकली। ये लोग बायस्ड हो जाते हैं, इनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए, तुर्की को देखा जाए, इंडोनेशिया और मलेशिया को देखा जाए, तो ये वो ममालिक हैं जो मिलकर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इस रीजनल अपरेटस में। जो मुस्लिम ममालिक में तबाही और बर्बादी आई है पिछले 20-25-30 सालों में, उसको रीवैम्प करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके मामलात को सीधा करने के लिए। लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। ये थे चेंजिंग रीजनल अपरेटसिस, इस रीजन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और उसके रिलेटेड पाकिस्तान को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। कतर जो है वो भी बायस्ड है, पहले तो वो सऊदी अरेबिया के साथ था, अब एंटी सऊदी अरेबिया है, तो इसलिए वो प्रो ईरान हो रहा है, तो इस तरह की वो मामला चल रहे हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाई आर वी मच इन्वेस्ट टुवर्ड्स टॉपी प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ ईरान टॉपी प्रोजेक्ट्स कॉस्टली देन ईरान पावर। मेरे ख्याल से तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर तवज्जो हमें देनी चाहिए। ईरान ने अपनी साइड से वो कंप्लीट कर ली हुई है, पाकिस्तान को करनी चाहिए, वो कम कॉस्ट में हमें इजीली मिल जाएगा। वसीम, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। वही बात वही आ जाती है ना, फॉरेन पॉलिसी हमारी रिएक्टिव है, कोई मसला हो गया तो उसको सॉल्व कर लिया, आगे का सोच के काम नहीं करना कोई भी। We need to do that, Asad, लेकिन we cannot do that unless and until we have a strong economy. मुस्लिम ममालिक की आप मिसाल ले लीजिए, strong economies नहीं है, हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, फिर हम वो चीजें कर सकते हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज में अरब ममालिक आते हैं, ये छोटी छोटी चीजें तो गूगल आप कर सकते हैं ना। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में वो मैं बता चुका हूँ 3-4 दफा। नेक्स्ट इस तरह का कोई लेक्चर हुआ तो मैं अपना चेहरा अनवर छुपा लिया करूंगा और वो स्क्रीन शेयर किया करूंगा। सऊदी अरेबिया गोइंग टू रिकॉग्नाइज इसराइल, आप ये तो सऊदी अरेबिया का बता सकता है, मैं कॉल करता हूं वैसे मोहम्मद बिन सलमान को, उससे पूछता हूं क्या कहता है वो। प्री पार्टीशन लेक्चर्स नहीं, प्री पार्टीशन पे लेक्चर नहीं दूंगा मैं। इसराइल के हवाले से कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में तो ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, पाकिस्तान के स्टांस में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का बड़ा उनके साथ प्यार बढ़ रहा है। हाउ टू स्टडी पाक अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स इन इजी वे, जस्ट स्टडी देम, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस, एक दफा पढ़िए सारी चीजों को। कोल्ड वॉर से पाकिस्तान को क्या इफेक्ट होंगे इन फ्यूचर? सर, कोल्ड वॉर पुराना फिनोमिना है, खत्म हो चुकी है, जो इफेक्ट होने थे वो अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी हमारे ऊपर लागू हैं। हम टीटीपी की सूरत में, हम लोग क्लाशनकोव कल्चर की सूरत में, हम लोग स्मगलिंग की कल्चर में, हम लोग की सारी फिनोमिना में वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ये सारे कोल्ड वॉर के ही इन्फ्लुएंस चल रहे हैं। आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा, इफ़ यू कैन शेयर दिस लेक्चर दैट विल बी अ बिग फेवर। अच्छा जी, व्हाट आर आवर कार्ड्स टू प्ले विद इन दिस न्यू ग्रेट गेम, हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज? वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज डायरेक्टली। पहला इन्फ्लुएंस तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम कंट्रीज। दूसरा इन्फ्लुएंस ये है कि दे आर लैंड लॉक कंट्रीज, दे नीड लैंड रूट्स टू डू ट्रेड, टू हैव एक्सेस टू डिफरेंट कंट्रीज, और वो लैंड रूट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हमेशा ये गिव एंड टेक के फिनोमिना में होता है। और न्यू ग्रेट गेम में तो ऑब्वियसली ज्यादा जो ग्लोबल पावर्स हैं उन्होंने रोल प्ले करना होता है, और हम वहां पे अभी तक तो छेड़खानी के अलावा हमारा कोई रोल नहीं है, कोई एक्टिव। व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट वार्म वाटर एक्सेस, देन व्हाई यू सेड पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट नाउ एंड वाज एट टाइम, व्हाई नॉट इन बिटवीन? हैं, सवाल की कोई समझ नहीं आई मुझे कंवल, मुझे सवाल की कोई समझ नहीं आई। वी आर नॉट एबल टू टैकल विद ऑल, हो जाएगा। टाइमिंग क्लास की 8 से 9 होती है और दिन होते हैं सोमवार, बुध एंड जुमा।
Monday, Wednesday, and Friday. Isn't it that regional patterns hasn't changed as such since our independence? Aggressive states have been aggressive and friendly have remained friendly. मेरा नहीं ख्याल, because जब हमारी independence हुई थी उस वक्त ईरान में और government थी, Iranian revolution नहीं आया था, वो हमारा बड़ा friendly तल्लुकात थे, even सऊदी अरेबिया के साथ बड़े फ्रेंडली मामलात थे. फिर कोल्ड वॉर से पहले पहले हमारे अफगानिस्तान के साथ बड़े तलख तजर्बात रहे हैं, अफगानिस्तान के बड़े क्लेम्स रहे हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर. इंडिया के हवाले से तो हमारे वैसे ही हालात रहे हैं, चाइना के हवाले से भी हमारे ऑलमोस्ट सेम रहे हैं. तो इट्स अ मिक्सचर. प्लीज कल से स्लाइड्स लेके आए. आई डोंट हैव स्लाइड्स, मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ. हाँ, नेक्स्ट जो कोई लेक्चर होगा इस तरह का तो उसमें मैं स्क्रीन शेयर कर दिया करूँगा. इसीलिए तो तबाह है, जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा लोगों की नज़र होगी. सीरिया की वॉर वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, जो हमारा है ना ईरान और सऊदी अरेबिया वाला, उसमें डिस्कस करेंगे. हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर सेल्व्स, सोच समझ के. व्हाई पाकिस्तान फेल्स टू काउंटर इंडिया ऑन इंटरनेशनल फ्रंट, बिकॉज दे आर गुड एट फॉरेन पॉलिसी, दे आर गुड एट मैन्यूवरिंग, दे आर गुड एट डिप्लोमेसी, दे आर अ बिगर इकोनॉमी, दे हैव मच मोर टू ऑफर टू द ग्लोबल पावर्स. इसलिए हम लोग कमजोर हैं. बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. Israel and UAE deal impact on Pakistan foreign policy and impact on Pakistan. That is a detailed concept. उसके ऊपर पूरा lecture रखेंगे. Regional operators के topic में कश्मीर का कोई जिक्र करना है? जी बिल्कुल, कश्मीर का जिक्र करना है. जो इंडिया ने, हमने जो इंडिया की वेल्ड हेजमनी डिस्कस की है उसमें कश्मीर का लाजमी जिक्र आएगा. अच्छा जी, जियो टू गली है पाकिस्तान में, सो हमारी तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती. It was easy to same things are supposed to be part of that. ये इसी तरह है, ये changing regional dynamics और changing regional apparatus एक ही चीज के दो नाम है. We should move on Zoom to maintain class decor and learn more. करते हैं, next week से शायद हम लोग Zoom पे move कर लें. टाइम 7 से 8 PM रखें या 8:30. जमात होती है, नमाज के लिए जाना पड़ता है सर, काइंडली अगर पॉसिबल हो. जिसने नमाज पढ़नी होती है नमाज ज़रूर पढ़ा करें. लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़े हुए होते हैं, आप बाद में भी सुन सकते हैं. अफगान पीस डील जस्ट पाक ले अफगान को यूज़ करना इन फ्यूचर फॉर स्ट्रेटजीज प्रॉक्सी सर ट्रू? लाजमी नहीं होता पाकिस्तान उनको यूज़ करे, डिपेंड करता है. जो ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यूज़ किया ना, उसके पीछे भी पूरी एक दास्तान है. वो जो हमारा लेक्चर है ना 9/11 के बाद की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. IMF के बारे में नहीं, इकोनॉमी इज माई वीक पॉइंट, उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. कश्मीर इशू सीम्स टू बी रिजॉल्व इन नियर फ्यूचर, नो इट्स नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व एनी टाइम सून, हमारी लाइफ टाइम में तो मुझे नहीं लगता. Do you think that whole blame of our poor policy entirely upon us global powers dictate or not? देखें, आप मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम है ना और बाहर से लोग उस प्रॉब्लम का फायदा उठा रहे हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो मेरी कमजोरी है, मेरी अपनी. मैंने खुद उनको मौका दिया कि वो मेरे घर में आए. टॉपी इज इन प्रोग्रेस, आई एम अनश्योर, देख लीजिएगा आप. यू आर वेरी वेलकम सर. मेरे हाल में सिंसेयर स्टूडेंट्स को ये 100 के राउंड अबाउट ही हैं, तो उसमें आ जाएंगे पूरे. हाउ टू बी रिमेन प्रो स्टेट, आपको पता है स्टेट की पॉलिसीज क्या है, तो जो हमें नॉर्मल स्टांसेस स्टेट के ऑफिशियल्स के थ्रू जो हमें स्टांसेस मिलते हैं वही हमारे स्टांसेस हैं. उनके अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तो आप You are going against the state basically. चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें, स्ट्रीम शेयर कर दें. अल्लाह हाफिज़.